जिस हरियाणा की धरती से पीएम मोदी ने साल 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसी हरियाणा में बेटियों के लिए जीना मुहाल हो गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला हरियाणा के रोहतक जिले के सांपला कस्बे का है, जहां दहेज के लालची और बेटी पैदा करने से नाराज ससुराल वालों ने एक महिला को जहर देकर मारने की कोशिश की। सांपला के हसनगढ़ गांव के रहने वाले प्रवीण पर यह आरोप है कि उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी आरती को जबरदस्ती जहर पिला दिया। प्रवीण ने मेरे साथ बहुत मारा पीटा और आप दोनों ने इतनी हद कर मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरी पति मेरी ननद ने ना गंदा सलूक किया मेरे साथ, मेरा मुंह दबा के मुझे नहीं पता किस चीज की गोली खिलाई उन्होंने, मुझे जान से मारने की कोशिश की और खुद फरार हो गए गोली। लिखित शिकायत के मुताबिक शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे आरोपी परवीन और उसकी बहन सरिता ने मिलकर आरती को जहर दिया, जिसके बाद पीड़िता की हालत बिगड़ने लगी। पीड़िता ने किसी तरह पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पीड़िता की हालत स्थिर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी अभी तक आरोपी ससुराल वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। दशूद्र ने सांपला थाना के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर विजेंद्र से इस बारे में बात की। उन्होंने हमें बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 328 यानी जहर देने, आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर नुकसान पहुंचाने और दहेज उत्पीड़न की धारा 498A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि आरोपियों पर हत्या की कोशिश यानी आईपीसी की धारा 307 जैसी गंभीर धारा नहीं लगाई गई है, जबकि पीड़िता ने लिखित शिकायत में जबरन जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के सवाल पर एएसआई विजेंद्र ने कहा कि दहेज उत्पीड़न के आरोपों में गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच होती है। आरोपों पर एएसआई विजेंद्र ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जी, और इसमें क्या होता है, 498 में पहले तस्दीक होती है उच्च अधिकारी गण से, जी उससे जांच होती है। ठीक है, जांच होगी, दोनों पक्षों को आमने सामने करेंगे, जांच होगी और उसके बाद, उससे पहले मैंने इनको समझाया था, एक तो दहेज समान लिस्ट, शादी के फोटो और पंडित का नाम है और तीन चार चीजें, एक शादी का कार्ड मैंने ये कहा था ये मेरे को संडे को पहुंचा दे, फिर इसमें तस्दीक कराएंगे। ओके, जियो से तस्दीक होने के बाद में जियो जो आदेश देगा आगामी कार्रवाई शुरू हो जाए। दरअसल 3 साल पहले पीड़िता की शादी हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करते थे। वैशीपने का ये सिलसिला 2018 में तब और बढ़ गया जब पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दे दिया। आरोप है कि बेटी पैदा होने से भी ससुराल वाले नाराज थे और ये नाराजगी अक्सर पीड़िता से मारपीट का कारण बनती थी। हमने दहेज में अपनी तरफ से जो हमसे बना हमने वो दिया, लेकिन वो दहेज के लिए भी हमें परेशान कर रहे थे, मेरी बहन को परेशान कर रहे थे। और मेरी बहन भाई दूज के बाद जब 26 तारीख को वो अपने ससुराल में उसको छोड़ने गया, तो जो उसके ससुर थे मेरी बहन के, उन्होंने उनको गाली दी, गाली दे के बोले ये आने का टाइम है, कुछ ऐसा बोल के उन्होंने मेरी बहन को तंग किया। हम उनको समझा के, गलती मान के हम अपने घर आ गए थे। सुबह 5 बजे हमारे घर फोन आता परवीन का कि मैं तलाक लूँगा। मेरी बहन बोल रही थी मैं तलाक नहीं लूँगी, मेरे में क्या कमी है, मेरे को कमी बताई जाए। कमी ना बताते हुए उन्होंने, परवीन ने और सरिता ने, परवीन की बहन है जी ये सरिता, सुबह 8 बजे ज़बरदस्ती 10 गोली मेरी बहन को खिला दी गई। गोली खिलाने के बाद वो घर से फरार हो गए। फरार होने के बाद मेरी बहन को मैंने एक छोटा सा फ़ोन दिया हुआ था चोरी से, मेरी बहन ने मेरे को कॉल किया, उसकी कॉल रिकॉर्ड मेरे पास दर्ज हो गई और मेरी माता के पास भी दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद हमने सांपला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कटा दी। कंप्लेंट कटाने के बाद पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे, हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया है मेरी बहन के ससुराल वालों ने, मेरी बहन के साथ भी, हमारे साथ भी, ऐसा किसी बहन के साथ ना हो आगे। आने वाले टाइम में मोदी जी आपसे एक गुजारिश है कि आप आने वाले टाइम में महिला को सख्त से सख्त कानून में लाते हुए उनके ससुराल वालों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो कार्रवाई आपसे की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई करें। लैंगिक अनुपात और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में हरियाणा पहले से ही बदनाम है।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017-18 के दौरान ही महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 45% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि आखिर कब तक महिलाएं इस तरह की हैवानियत को बर्दाश्त करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।